लगातार हमने प्रैक्टिस करी है छुट्टियों में भी, तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपको भी पता ही होगा नहीं खेलता इसलिए ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैम ऐसा ह्यूमन इनका जवाब नहीं है। क्या कितनी तैयारी है आज मैच और बड़ी अच्छी फाइट होने जा रही है? हाँ तैयारी तो हमारी काफी अच्छी है। 3 महीने से हमारे कोच सर जो थे वो हमारी काफी प्रैक्टिस करवा रहे थे। मुकुल, हाँ मुकुल हमारे साथ, मुकुल कैप्टन प्रतिभा के। मुकुल एक अच्छी टीम के साथ टक्कर है, कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी, और ये लीडरशिप क्वालिटी दी है बिंदु मैम ने इन बच्चों की, कि घबराए विरोधी हम तो जीत कर जाएंगे। ये भिगोते हैं वो सिर्फ अपने वस्त्र बदल सकते हैं, लेकिन जो किस्मत बदलने के लिए अपने आप को पसीने से भिगोना होता है, और ये पसीने से भिगोई हुई तस्वीरें, खूबसूरत बच्चे। सर थ्री पॉइंटर के बारे में सर ज्यादा नहीं, क्योंकि 3 पॉइंटर से ज्यादा गेम बनता नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और बास्केट मारें। और रही बात सर हमारी प्रैक्टिस की, हमने 3 महीने काफी प्रैक्टिस करी, और अब देखते हैं रिजल्ट कैसा। इस विरोधी टीम को लेकर कुछ खास स्ट्रेटजी? नहीं स्ट्रेटजी सर हमारी खुद की है। कोशिश करते हैं कि मेहनत के मायने क्या है। स्टेज सज चुका है, खिलाड़ी तैयार है, परचम लहरा, वक्त ऑफिशियल की विसल बज सकती है। मेहनत के लिए ऑफिशियल का परचम कराना चाहता हूँ। कितनी देर की तैयारियां और कितनी देर का 40 मिनट का गेम है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे, उसमें 2 मिनट का गैप होगा और 5 मिनट का गैप। जो टीम बढ़िया खेलेंगी वो जीत जाएगी। क्या शुभकामनाएं आपकी दोनों टीम के लिए? अच्छा है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ रियल बास्केटबॉल खेलें। तो ये आपने देखा कि ये हम सब के लिए और इस जोन के लिए सौभाग्य की बात है। और फाइनल विसल बज चुका है, दोनों टीम की एंट्री हो रही है। हार कर जाओ जल्दी, ये दूसरे एंगल से भी, और ये बॉल 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 और सेंट जोसेफ वीवी प्रतिभा, जो बहुत अच्छे प्रतिभावान उद्यान खिलाड़ी, दोनों कैप्टन अपनी पोजीशन में है, खिलाड़ी पोजीशन में है, और स्कोर बोर्ड अभी भी बता रहा है 0-0, क्योंकि अभी फाइनल विसल किसी भी वक्त बज सकती है। और ये हवा में गेंद, और ये गेम शुरू। प्रतिभा के पास चीता की तरह की फुर्ती चाहिए इस गेम में, थम चाहिए, स्टेमिना चाहिए। एक रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है। कनिका का कैमरा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। कनिका पूरे पेनल्टी और बिंदु मैम मेरे साथ है, पेनल्टी मिली है आपकी टीम को हक में। मुकुल खन्ना प्रतिभा विकास पे पेनल्टी लेते हुए जी। कुछ कोच कुछ कह रहे हैं सेंट जोसेफ के, और ये मैच 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 की तरफ बेहतर प्रतिभा, किस तरह का रोमांचक कोशिश थी, इंटरप्ट किया, बाहर गई गेंद, और फिर से प्रतिभा के हक में ही। विशेल 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 कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हमें फॉलो ही करना होगा, मानना ही होगा। और प्रतिभा के पास स्कोर करने का मौका, अभी भी स्कोरबोर्ड 0-0 ही बता रहा है। ये अच्छी कोशिश, अच्छा पास, कप्तान की कोशिश, और ये 3 पॉइंटर की कोशिश थी। अच्छा प्रयास कर रहे प्रतिभा के ये हरे रंग में ग्रीन ड्रेस में सजे हुए ये खिलाड़ी, और इन्होंने पहले ही कहा था कि हमारी मेहनत बताएगी कि हमने क्या किया है। मेहनत पर भरोसा, बिंदु मैम की टीम है ये अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर, और इस बार व्हाइट कलर के प्लेयर इनके पास बॉल, और बॉल देखा, और ये अच्छा मौका हो सकता था, खाता खुल सकता था, लेकिन अभी 9 नंबर के खिलाड़ी जा रहे हैं, 9 नंबर इन, एक लंबे कद के खिलाड़ी को मौका दिया है। एक अच्छा पहला चेंज हुआ है प्रतिभा की तरफ से, और अभी भी कितना भी परिवर्तन होने के बाद भी स्कोर 0-0 है। अभी अभी भी लगभग 5 मिनट का खेल हो गया है, स्कोर नहीं हो पा रहा है, घबराहट है इस वक्त जी। कोशिश है कि स्कोर हो, घबराहट तो होनी ही चाहिए, और इस वक्त मैच देखिए देखिए, बास्केट के पास भी जाकर गेंद, बास्केट के कुछ इशारा है फाउल का, ये अंदर जी हाथ अगर लगाएं तो फाउल, तो पेनल्टी आपके अगेंस्ट है। और ये खुश हुई है बिंदु मैम की, उनके अगेंस्ट जो पेनल्टी मिली वो कामयाब नहीं हो पाई सेंट जोसेफ की, लेकिन फिर भी कुछ अभी और इशारा है, सेकंड है, और इस बार आपकी विश कामयाब नहीं। और पहला स्कोर, स्कोर बोर्ड में परिवर्तन, मूवमेंट, और ये
स्कोर सेंट जोसेफ के नाम 1-0-1 और फिर से कोशिश सेंट जोसेफ की तरफ से कैच के अंदर खाली और ये अच्छा प्रयास दोबारा ये कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कामयाब पॉइंट 2 पॉइंट मिले 2 पॉइंटर और 3-0 प्रतिभा शून्य और सेंट जोसेफ तीन फिर से निकले ये सेंट जोसेफ के टिकट के खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत ही अच्छी कूद के साथ लगभग निश्चित जो पॉइंट बनना था वो नहीं बन पाया शायद पेनल्टी फिर है क्या एक प्लेयर बदले हैं फिर से अभिषेक को बाहर किया 9 नंबर के प्लेयर को फिर से बाहर किया है और अपने फेवरेट प्लेयर 5 नंबर की जर्सी को फिर से उतारा बिंदु मैम ने एक नई नीति के साथ और ये पेनल्टी एक और स्कोर ये तेजी से दौड़े प्रतिभा के 5 नंबर पर प्लेयर जब भी आए नई एनर्जी नई जोश और ये फिर से ये अच्छी बास्केट कर रहे थे कोशिश पर एम लेस निशाना और ये ऑफिशियल्स आप देखिए ऑफिशियल्स अभी स्कोरिंग में अच्छा मैं आपको बेंच दिखाऊं पूरा बेंच ऑफिशियल्स का पूरी टीम बैठी हुई है एक एक पल एक एक मूवमेंट ये कैद कर लेना चाहते हैं जरा सा पलक झपकने की गलती नहीं रविराज जी कैसा मैच देख रहे हैं कैसा अनुभव है बहुत बढ़िया अनुभव है मैच बहुत अच्छा चल रहा है दो टीमों के बीच में आरपीबी सुपरमैन विहार वर्सेस सेंट जोसेफ स्कूल कविता विहार क्या लग रहा है अभी तक के खेल से अभी दोनों टीम बराबर ही खेल रही है ये मैच सांसे रोकेगा बिल्कुल ये मैच सांसे रोकने वाला मैच है और इससे पहले सेंट जोसेफ के कोच के अभी भी इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं आप देखिए जबकि अभी 4-0 है सेंट जोसेफ जीतने की स्थिति में है लीड बना चुका है और अभी भी प्रतिभा का खाता नहीं खुला है फिर भी कोच तनाव में है चिंता में है जाहिर तौर पर फिर से एक बार प्रतिभा के हाथ में गेंद और सेंट जोसेफ के कैसे खेल रहे हैं आपके प्लेयर आपको सपोर्ट करने वाले कहां है सारे और ये देखिए कि ये जो 3 सेकंड का फाउल मिला था उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और फिर से प्रतिभा के पास एक बार बॉल आई लेकिन फिर रोक लिया है बहुत अच्छा चल आराम से हो रहा है और ये टीम जो सपोर्ट कर रही है सर आपका तो स्कोर 4-0 हो चुका है सर आखिरी स्पोर्ट्स है यू नेवर नो क्या हो जाए कभी भी तो फॉर द होल गेम यू हैव टू बी सीरियस 4 पॉइंट के लिए गुड गेम ठीक है इट्स ओके बस इनका खाता भी नहीं खुला रहा टेंशन में टेंशन उन्हें होना चाहिए नहीं सर अगर सारे साल प्रैक्टिस करते तो इतना तो टेंशन तो रहेगा ये बहुत बढ़िया बात है ये सच्चे खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कोच की पहचान है और ये प्रतिभा के पास एक बार फिर से गेंद है प्रतिभा के खिलाड़ी अभी अपना खाता नहीं खोल पाए जोर से भरे थे कोशिश कर रहे हैं अच्छा प्रयास एक बार 5 नंबर के पास और लेकिन कद बड़ा मायने रखता है इस खेल में एक लंबा अच्छा कद होना बहुत कुछ बताता है कोशिश कर रहे हैं और बिंदु मैडम के चेहरे पर आप अगर देखें उनके कोच के चेहरे पर ये चिंताओं की लकीरें अब देखी जा रही है 6-0 प्रतिभा के बच्चे शून्य पर अभी स्कोर नहीं कर पा रहे एक बार अच्छी बास्केट बहुत अच्छी 8-0-8 हो गया है मेरे जोर मन के ये चमकते हुए चेहरे है ये खिलाड़ी वो है जो अपने टाइम में जिन्होंने पसीना बहाया अपने वक्त में बहाया और आप पैशन के तरह अपने आप को प्रोफेशनल कोच है ये लोग और ये बता रहे इस जोन के लिए इन लोगों का बहाया हुआ पसीना इनके खिलाए हुए खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर और तैयारियां हैं अगले मैच की भी तैयारियां मैं आपको दिखाऊँ तो और खिलाड़ी भी मैच को देख रहे हैं वार्म अप कर रहे हैं और ये भरोसा मेहनत का है भगवान का भरोसा मेहनत का भरोसा और पहला टाइम आउट मैं सीधे चलूंगा बिंदु मैम की टीम के पास गेम हो चुका है
बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, गेम कैसा चल रहा है? अभी कह रहे मैच भूल ही सके कि कोच कुछ लिख कर दे कि आप किस तरह से कोच लास्ट मैन टू मैन मार्किंग की बात बता रहे हैं। स्क्रीन मूव, स्क्रीन मूव अपनी पोजीशन के हिसाब से यूज़ आ रही है। 45 को जीरो हो गए थे, सेंटर है लोडी के थ्री और ये तैयार टीम और दोनों टीम तैयार है। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन आप पारुल को दिखाएं तो पारुल कितनी मेहनत, पारुल ये रुक जाओ, कितनी मेहनत कर रहे हैं पारुल और मेरे साथ भारती है और ये पारुल और भारती की वजह से आप बहुत अच्छा मैच देख पा रहे हैं। मैं दोनों के साथ हूँ, दोनों के बीच में हमारे साथ आई थी लेकिन अभी मैच की तस्वीरें दिखाते हैं। मैच शुरू हो चुका है, डाउन रोटेशन चला के बाद यही कारण है कि बच्चों को प्रैक्टिकल सभी ये चाहते हैं कि लाइव कवरेज में रहना चाहते हैं। मैच चल रहा है, टीम आती है, आप देखते होंगे, आप वॉच करने आए हैं उनकी स्ट्रेटेजी को। हमारा मैच हो चुका है, मेरी मदद भी करते रहेंगे साथ साथ पूरे लाइफ पर आप मेरे साथ रहेंगे, रेफरी के दो इशारे होंगे वो आप मुझे बताएंगे कितना पॉइंट मिल रहा है और मेरे साथ सहयोगी कमेंटेटर होंगे ऋषभ और अभी दोनों टीमों को फिर से टाइम आउट किया है। इस टाइम आउट का टाइम आउट मतलब रिचार्ज कर सकते हैं और ये रिचार्जिंग पीरियड चल रहा है। आप देखिए अगर ये कैमरा भारती दिखाए उधर तो ये सबसे ज्यादा रिचार्ज होने की जरूरत इस वक्त मुझे लग रहा है प्रतिभा स्कूल के होनहार खिलाड़ियों को है। ये मयंक इनके जो कैप्टन है उन्होंने रिप्लेस किया और हाँ और ये जीडी गोयनका की दूसरी टीम जूनियर टीम जिनका कल मैच है। आप मैच देख रहे हो, आपका सीनियर का कल मैच देख रहे हैं, विरोधियों की तैयारी पर निर्भर करें आपका दम भरते ही जीत लेगा, क्या खासियत है इसलिए जीत रहे स्पीड और स्टैमिना दोनों ही चाहिए। इंस्ट्रक्शन देखिए कोच अभी तो पांच ही नंबर मिले लगे और कोच के बेशानी पर बल पड़ने लगे हैं। वाकई रोमांच से भरा हुआ ये खेल है, ये खेल अपने आप में अद्भुत है। रोकने की कोशिश बोल दिया प्रतिभा के खिलाड़ी ने, पीछे बैक पास और एक पास कट करने की कोशिश, अच्छा प्रयास एंड जोसेफ की बॉल और एक अच्छा मूव बनाते हुए बहुत अच्छा प्रयास, फिर से एक बार प्रयास एंड जोसेफ का, प्रतिभा के हाथ में गेंद, प्रतिभा के खिलाड़ी फिर से चल पड़े, मोहित और लास्ट मूवमेंट में मोहित के हाथ से बॉल फिसली और ये कहे कि एक मौका फिसला तो कहीं गलत नहीं होगा। मोहित बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेट पर हाथ है उनके और ये बताता है कि इस टाइम ना कहीं लूज कर रही है ये टीम। टाइम आउट होता ही बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेटेजी बन रही है, टाइम आउट का समय खत्म है, मैं दूसरी टीम के पास चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि संजू से प्रतिभा और ये